हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बाइनरी ट्री और नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसका जो नेक्स्ट वर्जन है वो है थ्रेडेड बाइनरी ट्री। तो मैं यहाँ पे थ्रेडेड बाइनरी ट्री पे फोकस कर रही हूँ। अगर आपको बाइनरी ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके प्लेलिस्ट का और उसके वीडियोज का शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हो। आपको सभी को रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। तो सबसे पहला हमारा वीडियो है इंट्रोडक्शन टू बाइनरी थ्रेडेड बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री सबसे पहले हमें पता होना चाहिए और वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट बताने वाली हूँ कि बाइनरी ट्री रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बाइनरी इसका मतलब है टू। तो बाइनरी ट्री हैव एटमोस्ट टू चिल्ड्रन। तो मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन होते हैं बाइनरी ट्री को? दो। मैक्सिमम टू चाइल्ड नोड्स विल बी देयर। ये हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन। तो ये हो गया उसका रूट नोड जिसका इन्फॉर्मेशन पार्ट है ए, और हम उसको बोल सकते हैं कि ए इज अ रूट नोड। उसको दोनों चाइल्ड नोड्स प्रेजेंट है, लेफ्ट चाइल्ड एज वेल एज राइट चाइल्ड। अगर वो दोनों प्रेजेंट है तो उसके लेफ्ट पॉइंटर में लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस होगा, राइट पॉइंटर में राइट चाइल्ड का एड्रेस होगा। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये हो गया आपका लेफ्ट चाइल्ड और ये हो गया उसका लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस। तो ये लेफ्ट पॉइंटर में हमने सेव कर लिया। वैसे ही ये है राइट चाइल्ड और ये राइट चाइल्ड का एड्रेस, वो यहाँ पे सेव कर लिया। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ये लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड के बारे में हम सोच रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, तो उसका लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर जो है वो दोनों का नल है। इसका मतलब है कि ये लीफ नोड है और उसको कोई चाइल्ड नोड अवेलेबल नहीं है। इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे क्योंकि ये जो नल फील्ड है इस पर ही हम इस वीडियो सीरीज में वर्क करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है। उसको हम शॉर्ट में TBT बोलते हैं, थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अब तक आपने देखा कि जो लिंक पार्ट था वो अगर रिप्रेजेंट करना है नल से तो वो कौन से दो सिचुएशन में नल होता है। तो जहां तक कि नल का सवाल है, तो फॉर एवरी नोड, अगर उस नोड को सिंगल चाइल्ड है तो जो चाइल्ड नोड अवेलेबल है उसमें तो चाइल्ड नोड का एड्रेस आ जाएगा, पर जो दूसरा चाइल्ड नोड अवेलेबल नहीं है वहां पे नल होता है। और अगर लीफ नोड है, यानी कि दोनों चिल्ड्रन अवेलेबल नहीं है, तो दोनों के लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर में नल एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने भी लास्ट स्लाइड में देखा था वही एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि बता रहा है हमें नो चाइल्ड के बारे में। तो यहाँ पे अगर चाइल्ड नहीं है, दोनों भी लेफ्ट एंड राइट नहीं है, यानी कि ये लीफ नोड है, तो उसके लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर में हो जाता है नल। तो ये जो नल है, अभी इसके बारे में हमें सोचना है कि ये हमें कैसे यूज करना है, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि अगर ये नल पॉइंटर है, नल सेव करने के लिए हम मेमोरी यूटिलाइज कर रहे हैं। नल मतलब नथिंग। तो नथिंग जो कुछ है ही नहीं, उसे सेव करने के लिए हमें मेमोरी यूटिलाइज क्यों करनी है, ये हो गया वेस्टेज ऑफ मेमोरी। तो ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी हमें कम करने के लिए थ्रेडेड बाइनरी ट्री का यूज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें थ्रेडेड बाइनरी ट्री कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि थ्रेडेड बाइनरी ट्री जो है वो रीयूज करता है आपके एम्प्टी और नल पॉइंटर्स को और लिंक्स को बाय मेकिंग सम थ्रेड्स। तो यहाँ पे मैं इन शॉर्ट आपको बताने वाली हूँ कि ये जो नल पॉइंटर है उसके वजह हम यहाँ पे उसके पेरेंट का एड्रेस दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, नल पॉइंटर रिप्लेस हो जाएगा ए और रूट नोड और पेरेंट नोड के एड्रेस से। तो हमें नल के लिए जो मेमोरी वेस्ट हो रही थी वो हम यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अगर मुझे ट्री ट्रैवर्स करना है,
अगर मुझे डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल करना है तो मुझे क्या होता है, मुझे डेप्थ में जाके फिर से हायर लेवल पे रिटर्न आना होता है, और वो रिटर्न आने के लिए हमारे पास कोई बैकलिंक नहीं होता है, उसके लिए हमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ता है। इधर रिकर्शन अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें इनबिल्ट स्टैक होता है, रिकर्शन नहीं यूज कर रहे हो तो हमें स्टैक इम्प्लीमेंट करना होता है। ये सारी चीजें मैंने ट्रैवर्सल के एग्जाम्पल में एक्सप्लेन की हुई है, अगर वो आपको पता नहीं है तो उसका भी शॉर्टकट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उसे भी देख सकते हो। तो हमें क्या करना है, वो हमें जो बैक ट्रैकिंग करना है, मतलब कि चाइल्ड नोड से पेरेंट नोड को मूव करने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहे थे वो हम रिड्यूस कर लेंगे, क्योंकि अभी थ्रेड जो है वो हमारी हेल्प कर लेगा, थ्रेड से हम डायरेक्टली जंप कर पाएंगे चाइल्ड नोड से पेरेंट नोड को मूव होने के लिए। तो ये हमें बहुत मदद करने वाला है। और उसका और एक फायदा जो है कि जो हम नल पॉइंटर्स के लिए मेमोरी वेस्ट कर रहे थे वो रीयूटिलाइज हो जाएगा। तो जो कि मैंने अभी बातें एक्सप्लेन की एडवांटेजेस, वही हम एक एक करके देख रहे हैं। तो इट रीयूटिलाइजेस द एम्प्टी और नल लिंक्स, जबकि हम थ्रेड बना रहे हैं तो वो थ्रेड हम एम्प्टी और नल लिंक जहां जहां पे होगा वहीं पे हम थ्रेड बनाने वाले हैं, इसलिए जो है वेस्टेज ऑफ मेमोरी होने वाला था वो रीयूज हो गया। ये हो गया आपका फर्स्ट एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज है, थ्रेडेड्स आर हेल्पफुल फॉर लीनियर एंड फास्ट ट्रैवर्सल ऑफ द ट्री विथ लेस एफर्ट्स। जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड पे बोला था कि अगर हमें चाइल्ड नोड से पेरेंट नोड को मूव होना है वाइल ट्रैवर्सिंग अ बाइनरी ट्री, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स और लेने पड़ते थे, और वहाँ पे हमें स्टैक की हेल्प लेनी पड़ती थी, जबकि रिकर्सिव हो या नॉन रिकर्सिव हो, तो वो हमारे एफर्ट्स यहाँ पे कम होने वाले हैं। और जो तीसरा है वही कि हम विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर लाइक स्टैक हम ट्री ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके तीनों एडवांटेजेस। पर कैसे होता है ना, अगर एडवांटेजेस है तो कई डिसएडवांटेजेस भी तो हो सकते हैं, तो चलो देख लेते हैं कि कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है। जहां पे हम एम्प्टी और नल लिंक के बारे में बात कर रहे थे, एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। अभी आपको जैसे कि मैंने बोला कि नल पॉइंटर सेव करने के लिए जो मेमोरी वेस्ट हो रही थी वो हम रीयूज करेंगे, पर वो रीयूज करते टाइम हमें एक्स्ट्रा मेमोरी यूटिलाइज करनी है टू आइडेंटिफाई कि जो कि हम लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर में सेव कर रहे हैं वो उसके चाइल्ड नोड का एड्रेस है या पेरेंट नोड का थ्रेड है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक्स्ट्रा बिट यूज करेंगे, तो उसके लिए लिटिल बिट एक्स्ट्रा मेमोरी लगने वाली है। तो ये हो गया छोटा सा एक पहला डिसएडवांटेज। अभी दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जो कि हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री पे, वो इंसर्शन ऑपरेशन हो या डिलीशन ऑपरेशन हो, वो जो अल्गोरिदम है वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं वहां, क्योंकि वहां पे हमें थ्रेड्स मेंटेन करने होते हैं। आपको इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन ऑन बाइनरी ट्री बाइनरी सर्च ट्री वो तो पता है, वो तो रहेंगे ही, उसके साथ साथ हमें क्या करना है कि थ्रेड्स भी मेंटेन करने हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इस अल्गोरिदम का बढ़ने वाला है। और जो तीसरा है वो जैसे कि आपने अपने अभी देखा कि थोड़ा सा जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज होने वाला है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो ये हो गया आपका थर्ड डिसएडवांटेज। पर अगर ये तीनों डिसएडवांटेजेस को हम थोड़ा सा इग्नोर कर लेते हैं तो यही थ्रेडेड बाइनरी ट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अभी नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके बारे में थ्रेड्स क्या होते हैं, उसका नोड स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो वो पढ़ने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल के साथ ट्यून रहिए और नेक्स्ट वीडियो को देखते रहिए। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लिंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिंक मैं आपको दे रही हूँ, उसके साथ साथ मैं नेक्स्ट वीडियो का भी शॉर्टकट लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। और आप सभी को रिक्वेस्ट है
कि प्लीज़ अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ट्यून रहिए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी डेटा स्ट्रक्चरिंग, थैंक यू।